बहुत सारे इंटरव्यू में एप्टीट्यूड लिया जाता है, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको वो कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं जहाँ से आपकी मेंटल एबिलिटी के बारे में पता चलता है, या फिर जो आपकी थिंकिंग लॉजिकल एबिलिटी क्या है उसके बारे में बेसिकली इंफॉर्मेशंस मिलती है। बहुत बार होता क्या है इंटरव्यू में स्टार्टिंग में एप्टीट्यूड रहता है, अब ये डिफरेंट है कि एप्टीट्यूड अगर हम नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट होता है, उसमें लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस होते जो कि मैथमेटिकल होते हैं लेकिन उतने हाई लेवल के नहीं होते। लेकिन अगर हम किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर हम आईटी को अप्लाई कर रहे हैं तो कोडिंग के बेस होते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉजिकल्स होते हैं। तो अगर नॉन टेक्निकल की बात आती है तो वहाँ पर इंग्लिश भी हो सकते हैं कभी कभी, और टेक्निकल की बात आती है एप्टीट्यूड में तो वहाँ पर आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत 20 मार्क्स के लिए हो सकता है। सो अगर आप TCS, विप्रो, कॉग्निजन, सिंटेल, कैपजेमिनी या ये बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू के पहले आपको एप्टीट्यूड लिया ही जाता है 101%। तो एप्टीट्यूड के दो रीजंस होते हैं, फर्स्टली उनको आपकी मेंटल और लॉजिकल एबिलिटी चेक करनी है, और दूसरी चीज़ कि अगर किसी पोजीशंस के लिए, अगर मान लो विप्रो ने कोई ओपनिंग्स निकाली है, उस ओपनिंग्स में 10 पोजीशंस और अप्लाई करने वाले अगर 1000 लोग हैं तो वहाँ पे स्क्रीनिंग करना पड़ता है कि वन टाइम मल्टीपल पीपल को इलिमिनेट करना है आपको। तो वहाँ पर आप एप्टीट्यूड लेके वहाँ से आप ये आंकड़ा 100 तक ला सकते हैं, और 100 के बाद इंटरव्यू में 10 लोग क्रैक करेंगे, बाकी के 90 लोग घर जाएंगे। सो एप्टीट्यूड दो रीजन के वजह से बहुत सारी कंपनीज लेती है, और बहुत ही मैंडेटरी है कि आप एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करें, क्योंकि किसी भी ओपनिंग्स के लिए अगर आपको बुलाया जाता है तो माइट भी हो सकता है उसके पहले GD ले, ग्रुप डिस्कशंस ले, या फिर वहाँ पर एप्टीट्यूड कंडक्ट करें। सो दोनों के लिए भी आपको वेल एंड प्रिपेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर गलती से आपने एप्टीट्यूड प्रिपेयर नहीं किया और आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज है, तब भी आपको चांस नहीं मिलता है गाइस इंटरव्यू का, तो ये अपॉर्चुनिटी आप वहाँ पे खो देते हैं। सो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाए तो बिफोर दैट यू नीड टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड। सो होप गाइज इस वीडियो में इतने, थैंक यू सो मच, बाय बाय।